नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर शहर की प्रमुख खबरों पर। जलंधर फवाड़ा हाईवे स्थित रेस्टोरेंट वाला के सुरक्षा गार्ड की रात करीब 1 बजे कुछ युवकों ने निर्मम हत्या कर दी। मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। कांग्रेसियों द्वारा बजट को गलत बताते हुए बलदेव सिंह देव की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन के निकट प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका गया और विरोध में नारेबाजी की। मॉडल हाउस कासमंडी रोड पर बन रही वह दुकान का लेंटर डाल दिया गया था और अब दुकान की तैयारी भी होनी शुरू हो गई है। निगम की आंखों में धूल झोंकने के लिए दुकान बनाने वाले दुकानदार ने अभी दुकान की तैयारी पूरी नहीं की, दीवारों पर चूना पोत दिया। जीएसटी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर लुधियाना बस अड्डे से सोने सहित उक्त व्यक्ति को धर दबोचा, जब वह अपनी जैकेट में सोना छुपा कर ले जा रहा था। तलाशी लेने पर उसकी जैकेट की जेब से 600 ग्राम सोना बरामद किया गया। कमिश्नरेट पुलिस ने पीएपी चौक के निकट युवती पर एसिड अटैक की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी फरार बताया जा रहा है। जलंधर के इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब वहां पर स्थित डिवीजन नंबर 1 के पीछे स्थित पार्क में लगे झूले पर एक लटकती लाश देखी गई, जो सुसाइड है या कत्ल, इसकी अभी जाँच की जा रही है।